अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए अभी हाल ही में सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया है, और उससे एक दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डिस्काउंट रेट यानी कि शरा सूद में 2% कमी की है। याद रहे कि इससे पहले एक महीने के दौरान ही शरा सूद में कमी की गई थी, जो कि अब 4.25% कम हो चुकी है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए सदारती ऑर्डिनेंस और साथ ही शरा सूद में कमी, इन दोनों जो बड़े इकदाम हैं हुकूमत की तरफ से, और इमरान खान साहब इन दोनों इकदाम को इंडस्ट्री के लिए रिवाइवल का नाम दे रहे हैं, तो इस सिलसिले में हम एक बैंकर सदीद अथर मल्ली साहब के साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि आया ये जो सदारती ऑर्डिनेंस है और जो डिस्काउंट रेट में कमी है, इसका हमारे जो मईशियत है उसके ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे। जी सदीद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, सदीद मली बात कर रहा हूँ। इसमें जो 2% कम किया है, इससे डेफिनेटली पैसा बैंक से निकलेगा और सर्कुलेशन में आएगा, उसकी वजह से सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट होगी। और ये हमेशा से यही होता है कि जब डिस्काउंट रेट लोअर होते हैं तो बैंक्स के साथ है, लेकिन फिलहाल एक जो प्रॉब्लम आ रहा था कि इस गवर्नमेंट ने आके शुरू में जिस तरह से एक टैरिफाई किया FPIs पे और सारे लोगों ने पैसा डंप कर दिया था, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं थी हो रही। मौजूदा जो इकदाम है ये स्टेट बैंक का बड़ा अच्छा है, और इसके साथ गवर्नमेंट ने जो दूसरा ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिलीफ दी है, इसके साथ ये एक वे आउट मिल जाएगा कि बैंक से पैसा निकलेगा तो वो जाएगा कहाँ पे। अब बैंक से निकलेगा तो उसके लिए प्रॉपर चैनल है कि वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आएगा, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी उन्होंने टैक्स रिलीफ दी है, FPR को भी थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, और उसमें जो रिलीफ मिला है, अब हर बंदे का बैंकिंग में बैठे हुए ये होता है कि वो ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी इन सेंस कि उन्होंने टैक्स नहीं पे किए हुए, जायज सोर्सेज से कमाया हुआ है, लेकिन टैक्स कल्चर ही नहीं है। टैक्स कल्चर इम्बेड करने के लिए जो गवर्नमेंट ने शुरू में थ्रेट किया था, वो थ्रेट अब लोगों के जहन में है। हर बंदा चाहता है कि वो थोड़ा सा टैक्स दे के अपना पैसा जो है वो वाइट करवा ले और वो पैसा इकोनॉमी में वापस आ जाए, क्योंकि इस वक्त पीपल फीलिंग अनसिक्योर कि उनका पैसा जिस तरह से भी पड़ा हुआ है, घरों में डंप किया हुआ है, डॉलर्स में किया है, US डॉलर का भी अब कोई एतबार नहीं है, कभी उसका जंप बहुत ऊपर होता है, कभी बहुत नीचे होता है। अच्छा सदीद साहब, आपने ऑर्डिनेंस पढ़ा होगा, उसमें जो बाकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए तो जो जो उन्होंने काम किया है, लेकिन वो जो नया पाकिस्तान हाउसिंग जो स्कीम है उसको ज़्यादा फोकस करने की कोशिश की है, और क्या आपका नहीं ख्याल कि ये एक पॉलिटिकल इकदाम होगा, और दूसरा ये अगर बैंकों से पैसा निकलता है तो क्या बैंक जो है वो इस चीज़ को अफोर्ड करते हैं कि अगर जो पैसे हैं वो कम होते हैं उनके पास, और जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी जो बैंकर्स होते हैं उनके ऊपर प्रेशर होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप डिपॉजिट्स लेके आए, अब जब डिपॉजिट्स निकलेंगे तो आप लोगों की जॉब्स का क्या बनेगा। डिपॉजिट्स निकलते भी हैं, और रमान जब इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है उससे नए डिपॉजिट जनरेट भी हो रहे होते हैं। एक्चुअली इस वक्त जो प्रॉब्लम आ रहा था इस गवर्नमेंट के आने से कि एक साल से पैसा जो है वो डंप पड़ा हुआ है और इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं थी हो रही, बैंक्स के साथ इंटरेस्ट रेट हायर होने की वजह से उनके प्रॉफिट्स ज़रूर अच्छे आ रहे थे लेकिन वो कोई हेल्दी एक्टिविटी नहीं थी। अब इसमें ये है कि एक तो वो लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम में लोगों को इंसेंटिव दे रहे हैं, उसमें आम पब्लिक का फ़ायदा होगा कि उन्हें घर जो अब आम मिडिल क्लास के अप्रोच से तो वैसे ही ऊपर चला गया हुआ था कि वो सोच भी नहीं सकता कि किसी बड़े शहर में वो घर बना ले 12-14 मिलियन का, 12-14 मिलियन एक सैलरीड पर्सन, इवन हम बैंकर भी जो कंसिडर बेटर पेड इन सोसाइटी हैं, क्यों कुछ इनकी सैलरीज कंपैरेटिवली बाकी प्राइवेट सेक्टर से बेहतर हैं, लेकिन वो भी अब सोचते नहीं थे। पहले हर बैंकर किसी अच्छी सोसाइटी में घर बनाने का सोचता था, अब एवरेज बैंकर बेचारा स्लम्स में जाके घर ढूंढ रहे होते हैं कि कुछ 6-7 मिलियन का मिल जाए, तो 6-7 मिलियन का उन गलियों में जाके जहाँ पे गाड़ी भी नहीं जाती, मोटरसाइकिल पे जाना पड़ता है, उनमें जाके घर मिल रहे हैं, तो वो एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया हुआ था, वो डिफरेंस उससे कवर होगा। और वैसे भी जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम करेगी तो बैंक को लिक्विडिटी मिल जाएगी।